मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ और मे बी मैं डेटा साइंस सीख जाऊँगा। सो आई यूज़ टू सर्च डेटा साइंस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो मैंने पहले वहां से पाइथन सर्च किया। जैसे मैं भी एक डेटा इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नॉन टेक ग्रेजुएट्स रीच आउट होते हैं, ठीक है। इनिशियली दैट वाजंट इजी एक्चुअली, क्योंकि मैं यूट्यूब के वीडियोस और लाइक और अदर आर्टिकल्स फॉलो कर रहा था, और मैं ये भी चाहता था कि मैं ऐसे ही सीख जाऊँ, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़े, टू बी ऑनेस्ट। तो आई यूज टू गेट बिट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई यूज टू टॉक विद लाइक पीपल। डेटा साइंस इज लाइक सो फैसिनेटिंग टू पीपल, दे जस्ट वॉन्ट टू लर्न डेटा साइंस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसे बंदे से मिलाने वाले हैं आपको, हिज नेम इज प्रिंस, एंड पर्टिकुलर टेलीकॉम जॉब से डेटा साइंस फील्ड में घुसा है, कैसे घुसा है उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर रोड मैप काइंड ऑफ वीडियो वाले, कैसे किया, कैसे आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो डेफिनेटली, उसी लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग। अगर एक बंदा नॉन टेक से टेक्निकल में घुस रहा है, पर्टिकुलरली टेलीकॉम जॉब से, पर्टिकुलर डेटा साइंस में घुस रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, वो सारे आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए वीडियो बन रही है। सारा रोड मैप कैसे उसने प्रिपेयर किया, सारे रिव्यूज, हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सारा आपके सामने होगा। तो भाई नीचे कमेंट जरूर करना, थैंक यू सो मच प्रिंस, बिकॉज आफ्टर ऑफिस वी आर मेकिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली काफी एफर्ट्स लगे हैं दोनों बंदों ने ऑफिस के बाद ये वीडियो बनाया, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो था कि भैया ऐसा कोई जॉब लेके आओ, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर वीडियो लेके आओ जिसमें सारा कुछ पता चल जाए हमें, तो वो पर्टिकुलर ये वीडियो है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, लाइक करिए, कॉमेंट जरूर कर देना, छोड़ना मत उस चीज को भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्यों वेस्ट कर रहा हो, यूज करो इस वीडियो को, आगे बढ़ाओ, हो सकता है आपकी नहीं किसी और की मदद हो जाए, तो लाइक करें, कमेंट जरूर करना है, स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद प्रिंस एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर हम डेटा साइंस फील्ड में जॉब कैसे ले सकते हैं, डेटा साइंस फील्ड में कैसे घुस सकते हैं। एज ही वाज आल्सो अ नॉन टेक ग्रेजुएट, ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, एक एक चीजें आपको पता चलने वाली इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फर्स्टली पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा प्रिंस को, कॉन्ग्रेचुलेशन मैन फॉर योर पर्टिकुलर न्यू जॉब, एंड सबसे पहले आप प्लीज सामने वाले लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो ताकि सबको पता चल जाए आप हो कौन। थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। सो माय नेम इज़ प्रिंस कुमार एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड रिसेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन प्रोलिफिक्स इन डेटा साइंस स्ट्रीम। ओके ओके ओके, तो लाइक एज आई कैन एज यू टोल्ड अबाउट यू आर एंड आई नो यू, लाइक अभी हमारी थोड़ी बहुत चिट चैट हुई तो हमें पता चला कि पर्टिकुलर प्रिंस जो थे वो एक कैसे, मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, लाइक एज अ फ्रेशर घुसे, एज अ एक्सपीरियंस घुसे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि कैसे घुसना है डेटा साइंस फील्ड में बेसिकली। नो एक्चुअली आई एम नॉट अ फ्रेशर, आई यूज टू वर्क इन लाइक टेलीकॉम सेक्टर, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने जॉब रोल से, सो आई वॉन्टेड टू स्विच विद लाइक विद डिफरेंट स्ट्रीम। सो मैंने बहुत सर्च किया, बट फिर मैं पाइथन में गया, तो पाइथन में मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, लाइक मैं वेब डेवलपमेंट में जा सकता था या फ्लास्क यूज़ करके या स्क्रैपिंग ये सब, बट वहाँ पे मुझे कुछ सजेशंस आए कि वी आई कैन गो विद डेटा साइंस ऑल्सो, तो मैंने वहाँ से थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा डेटा साइंस, तो फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि आई विल जॉइन डेटा साइंस। अच्छा ओके, तो पर्टिकुलरली अभी आप किस कंपनी में प्लेस हुए हो? प्रोलिफिक्स, प्रोलिफिक्स। एंड अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला वीडियो का, कि भैया आपने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपनी जर्नी, जैसे आपने बताया टेलीकॉम सेक्टर से डेटा साइंस फील्ड में ट्रांजिशन कैसा था, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दो। इनिशियली मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं बहुत न्यू था डेटा साइंस में, सो जैसा सब करते हैं आई यूज टू थिंक कि मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ और मे बी मैं डेटा साइंस सीख जाऊँगा। सो आई यूज टू सर्च डेटा साइंस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो मैंने पहले वहाँ से पाइथन सर्च किया, तो वहाँ क्या होता है कि कोई पाथ क्लियर नहीं है यूट्यूब पे, क्या होगा आप पाइथन सर्च करोगे तो रैंडम कोई भी वीडियो आ जाएगा, कुछ हैं वीडियो जो ठीक हैं बट इतने नहीं हैं कि आप उससे ले मतलब यूट्यूब से आप डेटा साइंस सीख जाओ, तो मैं वही कर रहा था। फिर अचानक मुझे कुछ वीडियोज़ दिखे जो ओडिन स्कूल से रिलेटेड थे, फिर वहाँ से मैंने वेबसाइट देखा, फिर वहाँ पे मुझे पता चला ये डेटा साइंस बूट कैंप के बारे में, देन मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑडिन स्कूल बूट कैंप ज्वाइन करूँगा। तो
ओके, मतलब प्रॉब्लम हमें यही आती है, देखो रिसोर्सेस तो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, जैसे अभी प्रिंस ने मेंशन किया, स्ट्रक्चर्ड नहीं है चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। आप एक चीज़ सर्च करोगे, सपोज पाइथन सर्च की ना, 10 चीज़ें और आ जाएंगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। हमें स्ट्रक्चर पाथ तो पता होना चाहिए भैया, कैसे हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, तो आपने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया वर्डन स्कूल का, तो बेसिकली उसके बारे में हल्का सा रिव्यू कर सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह, कैसे मतलब कैसा रहा प्रोग्राम, कैसे स्ट्रक्चर रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में? दैट्स अ 6 मंथ्स बूट कैंप, और उसमें उन्होंने पाइथन, SQL और मशीन लर्निंग और डेटा विजुलाइजेशन टूल लाइक पावर BI एंड टैबल्यू इंक्लूडेड था। एंड देन बाद में उन्होंने बिग डेटा के टूल भी कुछ इंक्लूड किए थे, जैसे पाई स्पार्क है एंड हडूप है। तो वो बहुत पर्टिकुलरली डिज़ाइंड था कि आप अगर, या तो अगर आप एडवांस लेवल के लिए करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा लाइक वेरी बेसिक बैकग्राउंड है, आपको बस थोड़ा थोड़ा पता है कि ये डेटा साइंस है और ये है, लेकिन आपको कोई क्लियर पाथ नहीं पता है, तो वो पूरा पर्टिकुलरली करिकुलम डेटा साइंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने। मतलब सबसे ज़्यादा डाउट क्या रहता है ना, जैसे मेरे को कई लोग रीच आउट होते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी एक डेटा इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नॉन टेक ग्रेजुएट्स रीच आउट होते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि भैया हम नॉन टेक में हैं, हमें स्विच करना है, ठीक है, तो क्या हम कर पाएंगे क्या? जैसे आपने स्विच किया नॉन टेक से, आपने प्रॉपर डेटा साइंस में पूरा ट्रांजिशन किया, आपको कैसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? इजी था, जैसे करिकुलम आपने पढ़ा, आपने प्रॉपर कोर्स लिया, कैसे सारा कुछ करना इजी था क्या, करिकुलम कैसा था, मतलब इन सब? इनिशियली दैट वाजंट इजी एक्चुअली, क्योंकि मैं यूट्यूब के वीडियोस और लाइक और अदर आर्टिकल्स फॉलो कर रहा था, और मैं ये भी चाहता था कि मैं ऐसे ही सीख जाऊँ, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़े, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं ये सोच रहा था, तो वो नॉलेज कंप्लीट नहीं थी। और मुझे लगा कि ये डेटा साइंस का जो बूट कैंप है वो डिज़ाइंड ही ऐसा हुआ है कि आप इनिशियली, चाहे आप बेसिक लेवल से शुरू करना चाह रहे हो या बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हो, तो आप जा सकते हो, लेकिन वो लास्ट में ये ना कि आपको हार्डवर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। तो हाँ, वो मतलब पर्टिकुलरली डिज़ाइंड है कि आप या तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बोला ना कि पाइथन भी है, और वेरी बेसिक से अगर आपको वेरिएबल्स, जैसे होता है ना, वेरिएबल्स नहीं पता, जैसे मैं नॉन टेक से था तो मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, और मैंने ये सब ओडन स्कूल के प्रोग्राम से ही सीखा। और वो मतलब सारा कुछ स्ट्रक्चर एक एक करके सिखाया गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम अब नहीं हुई, सीख सकता है मतलब कोई भी? हाँ हाँ, कोई ऐसी, हाँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे और आप अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, वो तो करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। और मैंने एक चीज़ सुनी है, जैसे ओडिन स्कूल के बारे में मैंने भी रिसर्च की थी, तो मेरे को कुछ चीज़ें पता चली, जैसे इनके थोड़ा आपसे क्लियर करना चाहूँगा सारी चीज़ें, बिकॉज हो सकता है सामने वाला बंदा जाना चाहे उस प्रोग्राम में, करना चाहे, तो इनकी जो मेंटरिंग होती है और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लोग क्या, मतलब कैसा रहता है, रिलेटेड रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो कितनी हेल्प की इंटरव्यूज़ वगैरह में, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकें? जैसे मैं अगर कोर्स की बात करूं, और जैसे आई यूज़ टू गेट असाइनमेंट ऑन फॉर लाइक 2 असाइनमेंट्स फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक पाइथन, मशीन लर्निंग, एंड देन वी हैड लाइक, वी यूज़ टू बिल्ड लाइक प्रोजेक्ट आल्सो, तो उसका इवेल्यूएशन होता था, एंड देन आई यूज़ टू गेट मेल फ्रॉम दैम, वो इवेल्यूएट करके सारी डिटेल्स देते थे कि यहाँ पे आपने गलत किया है, और आई कैन ऑल्सो रीच आउट टू दैम विद माई ई मेल एड्रेस, एंड इवन आई कैन कॉल दैम कि सर मुझे एक्सप्लेन कर दिए, मुझे नहीं आ रहा है, सो दे कैन आदर दे कैन, इफ सपोज देर आर 10 पीपल अराउंड देयर हु इज गेटिंग अ सेम प्रॉब्लम, तो या तो वो एक क्लास स्पेशली डिज़ाइन कर देंगे उसके लिए कि आप अपने इशू रिजॉल्व कर लीजिए, या फिर पर्टिकुलरली आपको फ़ोन करके या जो भी, आप जूम मीटिंग करके आप अपने इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। और लाइक फॉर मेंटरशिप, लाइक दे हैव अ बेस्ट करियर सर्विस टीम मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे बहुत काउंसिल किया है उन्होंने, लाइक आई यूज़ टू गेट बिट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई यूज़ टू टॉक विद लाइक पीपल, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, और दैट वाज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एबल टू क्रैक माय इंटरव्यू आल्सो।
हाँ डेफिनेटली वो चीजें तो होती हैं, डाउट आया तुरंत कोई बंदा हो पूछने हाँ, के लिए कितना सही है। तो हाँ हम लोग ये चीज नहीं कंपेयर कर रहे हैं कि भैया फ्री रिसोर्सेज एकदम मत यूज करो, पेड ही लो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज हम लोग कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको डाउट आया, आप यूट्यूब से पढ़ो, सपोज आपको डाउट आया, आप सर्च करो, आपको क्वेश्चन नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर दूसरा डाउट वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वहीं पे एक पर्टिकुलर बंदा है जो क्लियर कर सके आपका डाउट, कितना बेटर होगा, ज्यादा बेटर है ना। और प्रिंस यहाँ पे एक चीज पूछेंगे कि ये जो क्लासेस इनकी होती है वो कैसे, मतलब क्या मोड क्या होता है, जैसे लाइव होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, कैसे होती हैं? दे आर लाइक लाइव क्लासेस, क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं मोस्टली, और वीकेंड्स पे ही करियर सर्विसेज की क्लासेस भी हैं, एंड फॉर लाइक एवरी like every subject classes also designed on weekends. तो weekends पे classes होती है around 4 or 5 hours classes. अच्छा अच्छा, मतलब कोई professional भी है, काम कर रहा है, साथ साथ में कर सकता है, Saturday Sunday हाँ, not an issue. वो भी सही है। एंड जो इनका पर्टिकुलर प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे पर्टिकुलर जो इनका प्लेसमेंट असिस्टेंस है कि इंटरव्यूज, अब देखो भैया ऐसा तो है नहीं कि हम ये सब कुछ अगर इन्फॉर्मेशन स्किल्स हैं तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है भैया कि आप इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस शो आउट कर पाओगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शो आउट कर पाओगे। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, आपने कैसे की पर्टिकुलर उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन? So I told you earlier, na. So they have a career service team. So they are helping me to build my resume, or they used to like they are also preparing for mock test also. Like they are organizing mock interviews and all. So that's where I mean that was very helpful to crack my interviews, and yeah. Okay, basically, huh? It depends because what happens na. कि पीपल आर हैविंग द स्किल्स बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट इन द इंटरव्यू, सो हमें पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्किल्स की, हाँ ये होता है ना प्रिंस, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़, हो सकता है पहले या दोस्त को देखा होगा ये चीज़ बोल रहा होगा, होता है ना ऐसा? हाँ हाँ बहुत होता है। मैं इनिशियली मैंने शेयर भी किया था कि आई यूज टू गेट आई मीन आई यूज टू फियर अ लॉट टू कम्युनिकेट विद पीपल, सो दैट्स वेयर ऑर्डिनरी स्कूल्स एक्चुअली आई वुड से रेस्क्यूड मी फ्रॉम दैट फियर। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज हमें यही होता है कि भैया हमें चीज़ें पता है, भैया हमको चीज़ें आती हैं, बट हम जब इंटरव्यू में जाते हैं ना तो हम बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पे कॉन्फिडेंस का रोल प्ले होता है आपकी प्रिपरेशन। करियर देखो, आपको प्रॉपर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक आपको पूरा मोल्ड कर रहे हैं कि हाँ आपका ये इंटरव्यू है, ये पर्टिकुलर कंपनी है, आप पूरा तैयार होकर जाओ, जाके दे दो, दैट इज़ द थिंग। एंड अगर एक एकदम सिंपल सा एक लास्ट मतलब क्या कहते हैं क्लोजिंग क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सपोज आपके कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, आपसे पूछता है कि भैया आपने वाला कोर्स किया, क्या आप रिकमेंड करते हो क्या कि ये कोर्स हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए ये कोर्स करने से पहले या कोर्स करते दौरान, तो थोड़ा सा आप इसको टिप्स वगैरह थोड़ा बता सको इसको? तो नहीं, बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं, लाइक there is lot of messages on my LinkedIn and also, so मैं सबको recommend करता हूँ क्योंकि curriculum बहुत designed है specially for people like from basic to advanced level, और बहुत helpful है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इतना ज़्यादा amount pay कर रहे हैं तो worth नहीं होगा, it was very helpful to me and even I also recommend few my friends also, मैंने अपने दोस्तों को भी recommend किया और वो कुछ लोग हैं जो already enrolled हैं और वो yeah they were also like learning from Odin school as well। हाँ particularly क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है ना कि सबसे पहली चीज़ क्या दिखते हैं ना भैया, पैसा, कि यहाँ पे पैसा लग रहा है, यहाँ पे जाएं या ना जाएं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा रोकता है जो हमें ना, यही रोकता है, पैसा लग रहा है, क्योंकि हमें रिव्यूज़ चाहिए भैया कि जो बड़े लोग कर चुके हों वो पर्टिकुलर अगर बताएं या वो कुछ बताएं रिव्यूज़ वगैरह कैसा रहा उनका जर्नी, तो ज़्यादा हमें भरोसा और हम लोग घुस सकें। तो पर्टिकुलर ये वीडियो उसी लिए थी, आप ही लोग के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे ये चीज़ें कि, तो हम लोगों ने प्लान आउट किया कि हाँ प्लान कर सकते हैं एक वीडियो, तो अपन प्रिंस से मिले और ऐसे ही सारी चीज़ें हुई। एंड पर्टिकुलरली अगर लास्ट में जैसे आपने ट्रांजिट किया नॉन टेक से टेक में, डेटा साइंस में प्रॉपर, तो कोई टिप्स अगर हमारे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं वीडियो, हमारी ऑडियंस जो देख रही है वीडियो, उनको कोई अपने तरफ से टिप्स देना चाहोगे क्या? I would say don't follow blindly just because for like that you want to get higher salary.
यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज डेटा साइंस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर लाइक डेटा साइंस एंड देन फॉलो अ पर्टिकुलर लाइक अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग विच कैन हेल्प यू टू लैंड योर जॉब जस्ट डोंट फॉलो ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर पैकेज एंड बिकॉज डेटा साइंस इज लाइक सो फैसिनेटिंग टू पीपल दे जस्ट वॉन्ट टू लर्न डेटा साइंस एकदम ट्रेंडी सी लगती है अलग सी लगती है कि हाँ कुछ बवाल चीज है फैशन टाइप का फैशन ये दो दो ढाई साल में बहुत ज्यादा वो हो गया है लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं बस घुसना चाह रहे हैं तो वो चीज नहीं करनी है थोड़ा सा प्रॉपर रिसर्च कर लेना है वो होता है ना कि जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो जाता है तो हम वो फॉलो करने लगते हैं और हमें इंटरेस्ट है या नहीं है वो नहीं तो ये बहुत इंटरेस्ट बहुत जरूरी है बट और साथ में एक अच्छा ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना भी उतना ही जरूरी ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो हाँ हमें एक स्ट्रक्चर मिले बूट कैंप प्रॉपर मिल जाए रोड मैप मिल जाए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ना राइट एंड यही सारी चीज़ें थी अपन अभी लाइक ऑफिस खत्म होने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं तो भाई लाइक करके नीचे सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बोल सकते हो थैंक यू सो मच प्रिंस बिकॉज प्रिंस का एफर्ट्स है हम लोग तो वीडियोस बनाते रहते हैं हमारा क्या है तो प्लीज थैंक यू सो मच प्रिंस जरूर लिख देना एंड कोई भी डाउट्स होगा अगर मान लो प्रिंस आपसे कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना हो किसी को तो कहाँ पे रीच आउट अगर होना होगा उसको तो कैसे रीच आउट दे कैन आई मीन दे कैन टॉक मी और मैसेज मी ऑन माय लिंक्डइन एंड आई विल आल्सो डू वन थिंग आई विल पिन द लिंक ऑफ द लिंक्डइन आईडी ऑफ प्रिंस इन द डिस्क्रिप्शन इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू वांट सम रिव्यूज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम एंड व्हाटएवर डाउट्स यू हैव यू कैन क्लियर दैट सो दिस वाज ऑल अबाउट अ वीडियो एंड कोई डाउट ऐसा आता है कि भाई आपको तुरंत क्लियर करना है तो कमेंट कर दो वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल दिस वाज ऑल अबाउट अ वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय थैंक यू सो मच प्रिंस थैंक यू अनुराग थैंक यू सो मच